हेलो एवरीवन वेलकम टू वी आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी वी पीडिया तो आज हमारा जो लेक्चर है इट इज अबाउट द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर ऑन दिस एंड इवन दैट लेक्चर इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ एन ऑलरेडी स्टार्टेड लेक्चर सीरीज ये वाला जो लेक्चर है ये ऑलरेडी एक लेक्चर स्टार्ट हो चुका है उसी कंटिन्यूएशन में है और वो भी एक लेक्चर सीरीज हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है अबाउट इकोनॉमिक स्टैटिक राइट आर बी आई ग्रेड बी के लिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है और ये वाला जो लेक्चर आज हम देख करने वाले हैं ये भी उसी की कंटिन्यूएशन में ही है तो माय सीरियस सीरियस रिकमेंडेशन फॉर टू यू इज कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आइए जितने भी लेक्चर इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं उनको कवर कीजिए उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करिए सो दैट थिंग्स विल मेक मोर सेंस टू यू आज हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटिटेटिव टूल्स के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर साल आपको इकोनॉमी स्टेटिक से कम से कम तीन से चार क्वेश्चन फेज वन के अंदर तो डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते ही हैं और फेज के अंदर भी इनडायरेक्टली जरूर आपकी हेल्प करते हैं क्वेश्चन राइट right? एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है राइट स्पेशली जब स्टैटिक पार्ट की बात आती है स्टैटिक से आए हुए क्वेश्चन आप जितने कम मिस करेंगे उतने आपके चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा होंगे बिकॉज ये ऐसा टॉपिक होते हैं कि आपका सिलेबस डिफाइंड है और इसमें से अगर आपका क्वेश्चन पढ़े में से आ रहा है और वो आप मिस कर रहे हो तो वहां पर आप पीछे हटना स्टार्ट हो जाते हो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर वाई बहुत अच्छा होता है स्टैटिक पार्ट का दैट इज द रीजन वी आर कवरिंग दिस सेक्शन एंड नॉट ओनली दिस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर एग्जाम आपके एग्जाम से जितने दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं फिर चाहे वो क्वांट हो रीजनिंग हो इंग्लिश हो आपके जनरल uh, अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स हो गए आपके स्टेटिक पार्ट ईच एंड एवरी थिंग फेजर फेज टू भी इन फैक्ट उसके बाद इंटरव्यू भी आएगा सब कुछ कवर किया जाता है ईच एंड एवरी थिंग इज कवर्ड बाई अभी PDA. फॉलो कीजिए और आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम से जितनी भी चीजें हैं सब कुछ कवर होती चली जाएंगी और बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव और इफेक्टिव वे में ये वाले जो हमारे लेक्चर सीरीज है दिज आरूटली फ्री ऑफ कॉस्ट विच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर यू बट इफ इवन इसके अलावा भी वी हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शन जहां पर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव वे में भी चीजों को कवर किया जाता है वो कौन कौन से ऑप्शन है आई विल टेल इन द लास्ट वीडियो, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी देन यू विल बी एबल टू नो और कौन कौन से ऑप्शन कर सकते हैं पॉलिसी एक बार क्विक रिविजन हो जाए एक बार लास्ट लेक्चर की जहां पर हमने देखा था क्या मॉनिटरी पॉलिसी बेसिकली मॉनिटरी पॉलिसी के अलावा हमने देखे थे क्वांटिटेटिव टूल्स राइट क्वांटिटेटिव

वन वॉज प्राइस स्टेबिलिटी जो प्राइम ऑफिस दिखता है प्राइस स्टेबिलिटी बट द अल्टीमेट एम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वॉज इकोनॉमिक्रोथ एट इकोनॉमिक्रोथ नाउ हाउ दीज टू आर लिंक टूगेदर उसके लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा वेर आई है कॉम्प्रीहेंसिव वे ये रिविजन हो रही है तभी आपको फटाफट एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं यहाँ पर क्लियर ऑल राइट सो दिस इज इट दिस वॉज मॉनिटरी सप्लाई आई मीन मॉनेटरी पॉलिसी अब बात हम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन बनाता है ये आरबीआई इनफैक्ट आरबीआई के अंदर 2016 के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी नाम से एक स्टेटरी बॉडी अलग से बना दी गई थी जिसका प्रॉपर काम था मॉनेटरी पॉलिसी को ही बनाना क्लियर है उससे पहले आरबीआई ही बना रहा था बट एस एच कोई कमिटी नहीं बना रखी थी उन्होंने ओके okay. अब मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए आरबीआई दो टाइप के टूल्स का यूज करता है वन इज क्वांटिटेटिव टूल्स टिव टूल्स और राइट जब बात आती है क्वालिटेटिव की तो यहां पर जो वर्ड है क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी वॉल्यूम ऑफ मनी उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है उसके थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से टूल्स आएंगे आपके रेपो रेट राइट रिवर्स रेपो रेट आपका सी एर राइट ऑल दीज टूल क्वानिटेट टूल्स इनको इन क्या बोला जाता है इसके अलावा और क्या नियम है इसका जनरल टूल्स भी इनको बोला जाता है जनरल इनडायरेक्ट राइट ये भी इनको बोला जाता है क्यों बोलते हैं बिकॉज ये किसी सेक्टर पे टारगेट नहीं करते इनका इफेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेड होता है कि इनडायरेक्टली कर जाएगा इकोनॉमी को right? राइट right? मतलब किसी, किसी, किसी सेक्टर को टारगेट करते हैं प्रॉपर किसी सेक्टर को डेडिकेटेडली टारगेट किया जाता है इसके अंदर यहां पर जनरल होते हैं उसका इफेक्ट एक्सपेक्टेड होता है कि आपको इकोनॉमी में दिखेगा क्लियर है ओके सो अब बात आती है आज हमारा टॉपिक क्या है फिर क्वांटिटेटिव टूल्स राइट ऑलरेडी स्टार्ट करा था कर रहा उसे ओवरव्यू देखा था राइट right? आज हमारा जो पहला हम देखेंगे बट कोई बात नहीं क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक बार राइट बैंक बैंक ऑल्सो क्वांटिटेटिव टूल जो मिस हो गया था अभी डिविजन के अंदर बैंक ऑल्सो क्वांटिटेटिव टूल बाय द वे ओके बैंक रेट क्या होता था वो वाला इंटरेस्ट रेट होता था जिसके ऊपर आरबीआई आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता था राइट लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर शॉर्ट टर्म लिखा हुआ शॉर्ट टर्म नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करता था करता है आई मीन राइट सो इनफैक्ट आज की डेट में क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टूल है या कोई टूल है नो no.

क्लियर है आए महीने बंदे की एक तरीके से इनकम बन जाती है बट उसको वैसे रिलेट नहीं करना यहाँ पे आरबीआई है जस्ट टू रिमेंबर ओके और ये आरबीआई एक्ट है जो अपनी उसके अंदर की है ये हमेशा ध्यान रखना है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूजन भी होते हैं कई बार क्योंकि दो ही एक्ट्स हैं एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और एक आरबीआई एक्ट क्लियर है तो हमेशा इन दोनों एक्ट का ध्यान रखना है कौन सा एक्ट कहां पर है बैंक रेट की जब बात आती तो है तो आरबीआई एक्ट 1934 क्लियर है ओके नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट एस से पहले हम करते हैं सीआरआर आर राइट ये सीआरआर आर भी ऑल दो हमने कवर करा था राइट बट डोंट वरी फटाफट इसको भी रिवाइज कर लेते हैं अगर हम बात करते हैं सीआरआर की तो सी आर आर किस काम के लिए होता था यहां पर होता थे कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व रेशियो सो बेसिकली कुछ नहीं यहां पर क्या है कि फ्रैक्शनल रिजर्व है ये फ्रैक्शनल रिजर्व्स है, जो कि रिजर्व कि कि मतलब कुछ रिजर्व, हमेशा जो कि RBI जो है RBI नहीं, है नहीं सॉरी कोई ए अगर इसको इस पर 100 में अगर अगर आ रहे हैं ठीक है है बाय द वे ये ही आपको फास्ट लग रहा है तो काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट पिछला लेक्चर देखिए और उसके बाद करिए तब आपको में आ रहा होगा ये रिवीजन ही चल रही है भी भी, तब भी तो अगर यहाँ पे क्या बता रहा था मैं सीआर बता रहा था आपको कि अगर बैंक ए है इसके अंदर हंड्रेड रुपीज फॉर्म में है ठीक है और अगर मान लो ये हंड्रेड रुपीज सारे के सारे लोन में घुमा दे तो ये जो डिपॉजिट वाले हैं अगर मान लो एट टाइम किसी दिन आगे भी हमारे हमारे डिपॉजिट निकालने हैं हमें चाहिए किसी भी रीजन से तो उस ऐसी सिचुएशन ना आए क्योंकि इनके पास कुछ पैसे ही नहीं बचे ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए इनके ऊपर मैंडेट होता है हर कमर्शियल बैंक के ऊपर कि दे हैव टू कीप

क्लियर है जनरली ये चार परसेंट ही रहता है की 4 के ही रहेगा। और ये सारा सिर्फ कैश की फॉर्म में ही रखना है, है, है डिसाइड किया उतने परसेंट उनको कैश की फॉर्म में साइड में रखना होता है को, वो लोन की फॉर्म में नहीं घुमा सकते इट नॉट बी यूज इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट क्लियर है दिस इज सी आर आर राइट सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन

बट है ये तो क्लियर है इट हैज टू बी प्लेस इन अ वॉल्ट इन द बैंक और प्लेस विद द राइट सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सी आर आर आई होपे जरूर समझ में आया होगा आपको और यहां पर एक चीज बता दू ये भी आरबीआई एक्ट के अंदर है सी आर आर इज ऑल्सो प्रोवाइड अंडर आरबीआईन थर्टी फोर क्लियर है दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर आरबीआई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर थोड़ा सा कम कर लेते हैं ज्यादा हो यस दिस इज इनफ ओके डन तो सी आर आर ओके अच्छा मेन चीज जो है ना कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे मेंटेन करी जाती है मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना मार्केट के अंदर दैट इज द मेन थिंग दैट इज टू बी डन इन द मॉनेटरी पॉलिसी अब उसकी बात कर लेते हैं एक बार आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम कंट्रोल होगा कैसे सीआरआर से इसको हम समझते एग्जाम्पल से एक्चुअली अब स्टार्ट हो आज का लेक्चर एक तरीके से ठीक है अब समझने वाली चीज है एक बार समझ लो हमेशा क्लियर हो जाएगी कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से टैकल कर जाओगे क्योंकि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में राइट right? इसको एप्लीकेशन पार्ट बोला जाएगा फैक्चुअल की वजह एप्लीकेशन पार्ट अब स्टार्ट होगा ओके okay. अब आती है सी की बात कि भाई मान लो मार्केट के अंदर क्या है मनी सप्लाई जो है वो है ज्यादा मार्केट के अंदर मनी सप्लाई है ज्यादा पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा है तो इन्फ्लेशन क्या है ज्यादा है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करोगे अगर मार्केट और मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मतलब ये टूल्स हैं आई के पास जिसमें से सी इज वन ऑफ द टूल तो उसकी हेल्प से जो मनी सप्लाई ज्यादा है मार्केट के अंदर उसको डिक्रीज करने की ट्राई करेंगे नीचे लेके आएंगे मनी सप्लाई को कम करने की ट्राई करेंगे आ रही बात समझ में एन वाई सी इज ऑल्सो ट्रू अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा तो एक ऑप्टिमम लेवल पे लेवलम लेवल पे लेके आने के लिए आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेगा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अपने टूल का करेगा, का का यूज 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 करेगा करेगा कर सकता है, मीन और उसमें से भी एक सीआरआर कैसे करेगा वो कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की ट्राई करेगा वो सीआरआर को मैनिपुलेट करके आई बात समझ में अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं मार्केट में पहला केस हम ले रहे हैं कि मनी सप्लाई क्या है ज्यादा राइट ओके तो हमें क्या करना है मार्केट से पैसा खींचना है कि सो दैट so लोगों के हाथ में कम पैसा हो तो उसके लिए आरबीआई विल इंक्रीज द आर आरबीआई विल इंक्रीज द आर वो क्यों करेगी वो उससे क्या होगा एग्जाम्पल है मान लो लोही सौ रुपए वाला बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सौ रुपए थे डिपॉजिट में राइट सीआरआर आर था अभी लेट से टेन परसेंट तो अब इस सौ रुपए में से दस रुपए साइड पे रख के बचे हुए कितने नब्बे रुपए जो है लोन में घुमा देगा बैंक आ रही बात समझ में नब्बे रुपए लोन में घुमा देगा ठीक है और अपना इंटरेस्ट रेट मान लो वो रखते हैं टेन परसेंट ऑल राइट अब मान लो आरबीआई ने क्या कर दिया अपना सीआरआर बढ़ा के कर दिया लेट से ट्वेंटी परसेंट अब क्या करना पड़ेगा बैंक को वही जो सौ रुपए थे डिपॉजिट में उस सौ रुपए में से ट्वेंटी रुपीज असाइड रखने पड़ेंगे और बच के कितने अस्सी रुपए अब एटी रुपीज ही बचे इनके पास एटी रुपीज को अब बैंक अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं घटाएगा वो प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रखेगा क्योंकि यही उनकी कमाई का सोर्स है तो वो जहां दस परसेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा था अब वहीं वो भी कितना दस से ज्यादा करेगा लेट से फिफ्टीन परसेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करना स्टार्ट कर देगा तो आगे जो सिटीजन है नॉर्मल कस्टमर्स है पब्लिक है उनको लोन क्या मिलेगा महंगा तो वो कम लोन लेंगे इस वे में मनी सप्लाई क्या होगा मार्केट में डिक्रीज हो जाएगा आई बात समझ में आपको इसी ट्रैक पे सोचना है कि कैसे हो रहा है ये एक दो बार करोगे अपने आप बाद में आराम से होने लग जाएगा अभी एक बार लगता है कि बहुत वो लग रहा है बट एक दो बार इस वीडियो को भी दोबारा देख सकते हो आप बाप अगेन यू कैन वॉच दिस वीडियो सो दैट आपको ये चीज समझ में आए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ये कंसेप्ट समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जब आपका मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो उसको डिक्रीज करने के लिए आरबीआई विल इंक्रीज द सीआरआर एंड नॉट राइट एंड वाई सी वर्षा देखते हैं अब वाई सी वर्षा क्या होगा कि अब मनी सप्लाई क्या है कम है अब आरबीआई का क्या टारगेट है मनी मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी का बेसिकली क्या टारगेट है कि मनी सप्लाई को क्या करा जाए इंक्रीज करा जाए तो उस केस में वो सीआरआर को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे उससे क्या होगा उससे सिंपली ये होगा कि जो बैंक था उसके पास जो लोनेबल अमाउंट थी राइट जहां पहले हमने पिछले एग्जांपल में देखा था ना कि नब्बे रुपए बाद अस्सी रुपए ही रह गए थे क्योंकि सीआरआर बढ़ा दिया था अब अपोजिट में क्या होगा कि जहां बैंक के पास पहले नब्बे रुपए थे अगर सीआर आर कम कर दिया अब बैंक के पास मान लो दस परसेंट से पांच परसेंट ही कर दिया जहां पहले दस परसेंट सी था तब नाइनटी रुपीज वो लोन में घुमा रहा था अब मान लो पांच परसेंट कर दिया तो अब वो नाइनटी फाइव लोन में घुमा पाएगा ना तो इससे क्या होगा कि जो बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट जिसप चार्ज कर रहा था बाकी लोगों को वो और कम कर देगा सो दैट लोन ज्यादा भी जाएंगे उसके तो अब लोगों को लोन कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा तो ज्यादा ज्यादा लोन लेंगे लोग तो मनी सप्लाई क्या होगा उसके इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेक्टेड होगा ये राइट अब यहां पर आपको एक चीज और समझानी है कि कैसे ये इनडायरेक्ट है आरबीआई ने जब अपना सीआरआर डिक्रीज या इंक्रीज करा तो बैंक के ऊपर आपस आगे कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने जो लोन आगे सिटीजन को देंगे उसके इंटरेस्ट रेट भी घटाए या बढ़ाए वो बैंक की मर्जी है ऐसी कोई लीगली बाइंडिंग कुछ नहीं है ऐसा बट एक्सपेक्टेड होता है कि जनरली ऐसा कर दिया जाता है क्योंकि बैंक को भी तो पैसे कमाने अर्निंग करने तो अकॉर्डिंगली वो भी उसके अकॉर्डिंग चीजें वैसे मैनिपुलेट करते है। है? So, all all, जो है कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा है राइट मनी सप्लाई ज्यादा है तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा सीएनआर को क्या करा जाएगा इंक्रीज करा जाएगा उसको क्या बोलोगे आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी दैट काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज वॉट कॉल्ड एज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी या फिर हॉकिश मॉनिटरी पॉलिसी ऑल दीज काइंड ऑफ वर्ड आर यूज टाइट मॉनिटरी पॉलिसी कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी हॉकिश मॉनिटरी पॉलिसी बेसिकली आपको एक चीज और बतानी बहुत जरूरी है यहां पर पर पहले एक बार चलो तो देख लेते हैं फिर बताते हैं कि जब ये चीज कब हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल जब मनी मनी सप्लाई ज्यादा है तब सिया क्या करा जा रहा है इंक्रीज करा जा रहा है इस टाइप के एक्शन को इस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलेगे आप टाइट बोल सकते हो कॉन्ट्रेक्शनरी बोल सकते हो हॉकेश मॉनेटरी पॉलिसी ईच एंड एवरी बडी सेम मीनिंग तीनों का एक ही मीनिंग है राइट और जब मॉनेटरी मनी सप्लाई क्या हो कम हो राइट उस टाइम अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होगा राइट जस्ट एस एक राइट अच्छा अब मार्केट में मनी सप्लाई जब कम हो उसको इंक्रीज करना होगा तो उसके इसमें सीआरआर क्या करेंगे वो डिक्रीज करेंगे और इस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी राइट चीप मनी पॉलिसी बोलोगे आप या फिर आपकी डविश मॉनिटरी पॉलिसी राइट ओके तो राइट ऑल दिस थिंग और इजी मॉनिटरी पॉलिसी भी बोला जाता है इसको इजी मॉनिटरी पॉलिसी इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्लियर है सो ए यस जो मैं आपको बताना चाह रहा था यहां पर कि क्या सीआर आर मेन टूल है मॉनिटरी पॉलिसी का नो सीआर इज ऑल्सो नॉट द मेन टूल मेन टूल बाय दैपो रेट राइट रेपो रेट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाएंगे आज की वीडियो में आई डोंट थिंक सो कवर होगा वो ठीक है बट आपको ये जरूर समझना है कि वहां पर भी कैसे चीजें काम करेंगी कैसे करेंगे वो यही जो चीज अभी आपको बताई ये जाननी बहुत जरूरी है कि कैसे वर्क करा जा रहा है कैसे इस टूल का बेसिकली यूज किया जा रहा है मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करने के लिए चेंज करने के लिए हाउ दिज टूल्स आर यूज इन द मॉनिटरी पॉलिसी दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न ओके सो लेट सी ओके

कैपेबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इन टू कैश किसी भी एसेट का कैश की फॉर्म में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी को लिक्विडिटी कहा जाता है तो जितनी जल इजिली कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके उसको ज्यादा लिक्विडेबल है जो जो थोड़ा टाइम ले जिसको मुश्किल है कन्वर्ट करना इतना जल्दी नहीं हो सकता उसको बोलोगे लेस लिक्विड है फॉर एग्जाम्पल अब बोला जाता है ना कि आ, कोने वाला मकान हीरो की बाइक और मारुति की गाड़ी आप चाहे रात को दो बजे बेच लो आपको उसी टाइम बिक जाएगी आपको कैश हाथ में ज्यादा तो लिक्विटेबल बोला हैगजाम्पल था बट हमारे इसकी फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो अगर हम डिमांड डिपोजिट एफ डी को कंपे सबको पता होगा एफ डी और एक सेविंग डिपोजिट होता है एफ डी होते हैं वे टाइम डिपॉजिट है और सेविंग डिपॉजिट क्या डिमांड डिपोजिट है तो इन दोनों में ज्यादा लिक्विडेबल कौन सा है डेफिनेटली सेविंग्स डिपॉजिट है आप किसी भी टाइम जाइए बैंक में जाइए जितना पैसा आपको निकालना है आप डिमांड डिपोजिट अपने निकाल सकते हैं लेकिन अगर हम एफ की बात करें तो एफ पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद ही आप खोल सकते हैं उससे पहले भी कर सकते हो लेकिन पेनल्टी लगती है तो जनरली लोग नहीं करते लाइक छह महीने एक साल की फिक्स टाइम लिमिट है उसके ऊपर उसके बाद ही आप अपनी को मेच्योर होने पर निकालते हो पूरी राइट सो so इन दोनों से कौन ज्यादा लिक्विडेबल होगा डेफिनेटली ये सेविंग्स डिपॉजिट तो इट वॉज इट इज वॉट इज कॉल्ड एस लिक्विडिटी अब हमारे जो एस एल आर के अंदर लिक्विडिटी वर्ड क्यों यूज हुआ हुआ है रीजन बींगल आर इज वेरी मच सिमिलर टू सी आर आर सी आर एस एल आर बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं बट डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो लिक्विडिटी वर्ड का मतलब है कि जो बैंक को अपने फ्रैक्शनल रिजर्व की फॉर्म में कुछ एसेट साइड भी रखने पड़ रहे थे ना लाइक सौ रुपए में से दस परसेंट अगर सी आर आर डिसाइड कर लिया तो दस रुपए उनको फ्रैक्शनल रिजर्व के फॉर्म में दे हैव टू कीप असाइड एंड दे कैन नॉट यूज इट एज एन एसेट लाइक इन द फॉर्म ऑफ लोन सेम भी भी बट यहां पर आपको फॉर्म में ना आप की में भी रख लिक्विडेबल सिर्फ कैश नहीं रखना आप दूसरे एसेट्स हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है अपने आप में उनकी फॉर्म भी रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकते हैं जो बैंक है वो गोल्ड कुछ प्रेक्शन एज गोल्ड को भी साइड में रख सकता है अपने आप में

बिकॉज एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था ठीक है और ये बाई द वे आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर है एस एल आर आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर है सी आपका आरबीआई एक्ट के अंदर दिया है ओके सो इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपोजिट दैट इज एनडीटीएल दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद की दिस एसेट राइट दिस एसेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड टी बिल्स राइट so okay and RBI is authorized to set the SLR right RBI is authorized to set this SLR ये aapka Banking Regulation Act ke andar and not in the RBI Act all right so this was about SLR next lecture के अंदर हम बाकी जो quantitative tools हैं उनको अच्छे से discuss करेंगे जिसमें सबसे important आपका liquidity facility as well as OMO इनको हम next lecture में discuss करेंगे आज के lecture में इतना ही था बट बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर आई हैवे वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एज ए प्रॉमिस्ड की अगर आपको अपनी आरबीआई की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से करनी है और एक कॉम्प्रिहेंसिव मेनर में करनी है जहां पर आपको काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती है जो कि हमें नॉर्मली नहीं पता लगती जिसमें मेंटरशिप भी काउंट होगा क्योंकि मेंटरशिप भी चाहिए गाइडेंस भी चाहिए और ये सब कुछ अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको एक ही जगह मिल जाए अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए राइट सो आई है वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू विच इज प्रोवाइड अबीपीडिया कंप्लीट आरबीआई ग्रेट बी कोर्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दो हजार चौबीस का जो अपना ग्रेट बी का एग्जाम होगा आरबीआई के लिए उसके लिए कंप्लीट कोर्स अभी ने आपके लिए लॉन्च कर रखा है विच इंक्लूड्स फेज वन एज वेल एज फेज टू इनफैक्ट इंटरव्यूज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दियर एंडिस एंड सब कुछ है ईच एंड एवरी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यूर एग्जाम इच एंड एवरी एवरी एस्पेक्ट अदर इट इज दी डी राइट द लेक्चर्स The, the mock test, the daily test, the weekly test, the week, each and everything. It, it also includes the free mentorship, right? Mentorship is very, very important for your exam to may ensure that you don't digress for the preparation. It will ensure that each and every step of yours while in the preparation mode is in the right track, is on the right path. It is will be ensured by the mentorship. There are short nooks and things like. इफ यूर स्पेंडिंग एम टाइम अगर आप कुछ टाइम लगा रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप गल एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हो आपको पता ही ना चल रहा हो कुछ सिली मिस्टेक कर रहे हो आप मोकटेस टाइम पर ना लगा रहे हो देर आर अलॉट ऑफ अदर आस्पेक्ट्स ऑल्सो सो ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ वायद इन द मेंटरशिप विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस कंप्लीट कोर्स इट इज अ मस्ट रिकमेंडेड कोर्स दर इज स्टेशन लिंक फॉर दिस कोर्स इज प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उस पर क्लिक करके को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो साथ में सपोर्ट नंबर इन फैक्ट यू कैन आस्कस इन कमेंट सेक्शन एज वेल एंड वन मोर थिंग नॉट ऑनली जस्ट कंप्लीट कोर्स इफ यू वॉन्ट द मॉडल कि आपको एक पर्टिकुलर मॉडल ही प्रीपेयर करना है तो वी हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल विद ऑल्सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू कॉल इन दपोर्ट नंबर उस पर क्वेरी पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं राइट right? सो so, With this, I wish you good luck for your future endeavors. And until our next video, take care and bye bye. Thank you.